नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। बहुत लोगों को योगा करने की उत्सुकता तो होती है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। आज इसी चीज को समझते हुए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इंटरनेशनल योगा प्लेयर धनश्री लेकुरवाड़े। धनश्री, आपका स्वागत है हमारी आज के इस खास मुलाकात में। थैंक यू। जब हम बात करें धनश्री की, तो धनश्री ने अब तक कई इंटरनेशनल योगा मैचेस में भाग लिया है, साथ ही उनके नाम कई मेडल्स और सर्टिफिकेट भी है। वैसे धनश्री, आपसे ये सवाल पूछने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपके इतने फिट होने का राज क्या है। डेफिनेटली इतने फिट होने का राज तो मैं बोलूंगी कि योगा, क्योंकि 20 साल से मैं योगा कर रही हूँ, और जो योगा करेगा वो फिट तो रहेगा और हिट भी होगा। करेक्ट। यूजुअली लोग योगा अपने फिटनेस के लिए करते हैं, लेकिन आपने इसे अपना करियर ऑप्ट किया है, तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मुझे तो अभी ये इसमें 20 साल हो गए हैं। अब बहुत लोग पहले कहते थे कि योगा में कोई करियर नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले अगर मेरी शुरुआत हो चुके तो सबको पता है तब योगा को हम इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बोलो या फिर अभी जो हम 21st सेंचुरी में आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम में बदलाव हुआ है। तो योगा भी अब हम डेली कर रहे हैं, अपना रहे हैं। पहले इसी योगा को हम बोलते थे कि ये बोरिंग है, ये मतलब हम टाइम नहीं देते थे, जबकि हम टाइम बाकी सारी चीज़ों को दे सकते थे, बट योगा के लिए हम टाइम नहीं निकालते थे। बट मुझे लगता है कि कोविड ने हमें कुछ अच्छा सिखाया है कि हेल्थ पहले है और बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो डेफिनेटली योगा आप डेली कीजिए, और योगा की वजह से एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो रही है। आपको इस क्षेत्र में लगभग 20 साल होते आ रहे हैं, तो योगा का आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्या बता सकते हैं? मैं बोलूंगी मैं जनरली एक्चुअली फॉलो करती हूँ अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आती है। हम नॉर्मली पीपल तो हम समाधि तक नहीं जा सकते, बट अगर हम चाहे तो हम डेली लाइफ में हम यम है, नियम है, आसन है, आसनों का अभ्यास तो हम सभी लोग करते ही हैं। बट देखिए, सिर्फ एक या दो घंटा आसन करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं बोलूँगी कि उसको अपने लाइफ में अपनाना, जैसे मैंने बोला कि नियम, अगर हम अष्टांग योग का अगर सेकेंड पार्ट लेते हैं तो नियम आता है। जब तक हम हमारे लाइफ में कुछ नियम नहीं लगाते, मुझे नहीं लगता कि हमारा दिन कंप्लीट होगा। कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में अगर दिनचर्या हम 24 आवर्स की अगर देखी जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ नियम हम हमारे बॉडी के ऊपर लगाते हैं, तभी उसका इफेक्ट होगा। तो देखो, योगा के साथ जो मैंने बोला अष्टांग योग, तो आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें तो होती है, बट ये आपको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। धनश्री, आपने अब तक इतने सारे योगासन किए हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला योगासन कौन सा है? मैं बोलूंगी कि देखो, प्रैक्टिकल योगा तो चलो ये हम बोलेंगे कि हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। योगा एक मैसा छोटी चीज़ नहीं है, आप जितनी उसकी स्टडी करोगे ना, वो सारी चीज़ें डिफिकल्ट है। बहुत सारे मिस एक्चुअली मेरा भी मास्टर्स हो चुका है, अब मैं पीएचडी के लिए नेट सेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि लोग पहले बताते कि योगा कैसे उठो, घर में हम जनरली कर देते हैं, दैट इज़ नॉट योगा। मैं पहले बताना चाहूँगी, योगा की अगर आप प्रॉपरली स्टडी करोगे तो सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, ईजी नहीं है। तो प्रैक्टिकल भी इजी नहीं है, डिफिकल्टी है, थ्योरी भी डिफिकल्टी है। तो मैं बोलूँगी उस चीज़ को आप जितना अपने इसमें लोगे, आत्मसात करोगे, उतना वो आपको समझ में आएगा और पता चलेगा कि योगा ये इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है। करेक्ट, आपने बहुत सही कहा। आपको भी बताया कि कोरोना महामारी का दौर शुरू है, तो इसमें कोरोना से बचने के लिए योगा किस कदर फायदेमंद साबित होगा, क्या बता सकते हैं? मैंने आपको अभी बताया अष्टांग योग, जिसमें हाँ। 4 स्टेप आते हैं, डेफिनेटली प्राणायाम। तो प्राणायाम देखिए, हमने अगर शेड्यूल देखा हो कोविड में, तो सबका ये था कि डॉक्टर्स ने भी आपको बताया था कि आपको डेली प्राणायाम करना है। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्राण है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, और जितना आप ऑक्सीजन लेवल प्रॉपरली अगर आपका रहेगा तो डेफिनेटली आपको कोविड नहीं होगा। तो प्राणायाम का बहुत इफेक्ट इस पे बताया गया है। इवन डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि हाफ एन आवर एटलीस्ट आपको डेली प्राणायाम करना है। प्राणायाम के साथ अगर सूर्य नमस्कार भी अगर आप करते हो तो उसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। इवन आप आसनों का भी अभ्यास, बट याद रखिए बहुत सारे लोग सिर्फ प्राणायाम करते हैं, बट प्राणायाम के साथ अगर आसनों का अभ्यास, उसमें बताया गया है कि
स्टेज जो है वो है आसन, और उसके बाद अगर प्राणायाम कर रहे हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे मैं बताऊँ, अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ानी है तो प्राणायाम क्यों हेल्प करता है, तो उसका रीजन ये है कि हम डेली लाइफ में जितना आप मीन्स ऑक्सीजन लेते हो, जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो 5-6% ज्यादा आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर प्राणायाम करने से अगर ऑक्सीजन ज्यादा हमारे बॉडी को मिल रहा है तो उसके अच्छे इफेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर दिखेंगे, क्योंकि हम अपने ऑक्सीजन बोलो या फिर अपने ब्रीदिंग लेवल को, एक्चुअली जो ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करते हैं उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। प्राणायाम में एक्चुअली वही कर रहे हैं कि ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रीद आउट को। और जितने अगर एग्जाम्पल देखो, आप सबको पता है कछुआ वो सबसे ज्यादा 200 के ऊपर क्यों उसकी लाइफ स्पैन है, तो डेफिनेटली ये है कि एक मिनट में बहुत कम ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट होती है। तो अगर ह्यूमन बींग को भी लगता है कि खुद को फिट रहना है या फिर कोविड से बचना है, जितना ज्यादा आप अपने ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट के ऊपर वर्क करोगे उतने ही आप कोविड से बचोगे और हेल्दी रहोगे। आज के इस कोरोना के माहौल में बहुत लोग मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप कौन सा योगा आप सजेस्ट कर सकते हो? देखो, योगा तो इनडायरेक्टली सारे योगा बहुत बेनिफिशियल है, बट बोलूंगी कि देखो जैसे आसन आपने करना है, प्राणायाम भी करना है, मेडिटेशन, क्योंकि ये हो रहा है ना कोविड केस में कहीं ना कहीं सभी लोगों को मैं सभी लोग डिप्रेशन में, कोई आज के समय में ये नहीं बोल सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, सारा हेल्दी हूँ। नो डाउट कि कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है, तो देखिए अगर आपको इससे बचना है तो आप आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए, बहुत हेल्प आपको उसकी होगी। एंड स्पेशल मैं बताऊंगी लाइक पश्चिमोत्तानासन, जो बेसिक आसन है, पश्चिमोत्तानासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, उष्ट्रासन है, कपालभाति आप कीजिए, उसके बाद आप ब्रीदिंग कंट्रोल करना सीखिए, दीर्घ श्वसन यानी डीप ब्रीदिंग जिसे हम बोलते हैं वो आप कीजिए, और मेडिटेशन याद से कीजिए ताकि आप मेंटली आपकी हेल्थ अच्छी रहे। पक्का मेडिटेशन तो हम सबको करना चाहिए फिट रहने के लिए हमेशा। धनश्री, इन दिनों आर्टिस्टिक योगा की काफ़ी चर्चा शुरू है, तो इस बारे में आप क्या बताओगी? मैं बोलूँगी कि वन ऑफ माय फेवरेट इवेंट एक्चुअली, क्योंकि आप अगर मेरी मिस हिस्ट्री देखोगे तो सबसे ज़्यादा मेडल जो है मुझे आर्टिस्टिक में ही है। और एक जनरली होता है कि बच्चों को ना अगर सिंपली हम योगा करना है अगर बोलें तो बच्चा करना नहीं चाहता है, बट आजकल के एक्चुअली ज़माने में हम बच्चों को बोले कि म्यूज़िक के साथ कुछ करना है तो मुझे लगता है कि कोई भी करना चाहेगा। तो उसी में वही होता है, आर्टिस्टिक रहे या फिर रिदमिक योगा रहे, उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि मीन्स हम लोग जो करते हैं कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें यही चीज़ होती है कि म्यूज़िक होता है, हमें योगा करना है। डेफिनेटली अगर योगा है तो स्थिर सुखम आसनम यानी जो पोजीशन आप कर रहे हो उसमें कुछ समय के लिए स्थिरता होना और एक सुखदायक पोजीशन वो होनी चाहिए, तो डिफिकल्ट लेवल भी करना है। नॉर्मल योगा तो डेफिनेटली अगर योगा कर रहे हो तो बेसिक आना ही चाहिए, बट आर्टिस्टिक में डिफिकल्ट लेवल ऑफ आसना भी होता है, म्यूजिक भी होता है, एक अलग ही मजा है। इसलिए मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा फिलहाल जो हिट हो रहा है वो आर्टिस्टिक योगा है। आप योगा के लिए किसे इंस्पिरेशन मानते हो? फर्स्टली माई मॉम डेफिनेटली, क्योंकि जो शुरुआत हुई है वो मेरे घर से हुई है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा दोनों भी स्पोर्ट्स के हैं। पापा जो थे वो कबड्डी प्लेयर थे, नेशनल कबड्डी चैम्पियन थे, और मम्मी जो है वो भी मेरी योगा की मास्टर है। तो डेफिनेटली शुरुआत घर से हुई है, तो मम्मी को ही मैं एक्चुअली अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। धनश्री, इंडिया के लिए आपने 22 मेडल जीते हैं, तो कोविड-19 की वजह से आपके ऊपर या बाकी प्लेयर के ऊपर क्या फर्क पड़ा है कोविड की वजह से, क्या बता सकते हो? डेफिनेटली सभी प्लेयर्स के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये हो गया कि 2019 तक बोलो या फिर मार्च 2020 तक हम लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस में थे, प्रॉपरली अपने अपने स्टेडियम्स में जा रहे थे, हम एथलेटिक्स अगर प्लेयर है तो वो ग्राउंड्स में जा रहे थे, बट कोविड की वजह से ये हो गया कि हम हमारे घर के अंदर ही रह गए। तो जो देखो योगा चीज़ ऐसे कि आप घर पे कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जब तक आपको प्रॉपरली अगर ट्रेनर नहीं मिलता है, आप ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो उसके कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। अगर बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसका असर हुआ है, कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर हमारी अगर कोविड अगर थोड़ा भी अगर कम होता है तो हमारे अगर चैंपियनशिप शुरू हो जाती है तो बहुत हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कोविड की वजह से तो हम सभी प्लेयर्स का कहीं ना कहीं लॉस हुआ ही है।
बहुत लोगों का मानना है कि इंसान के फिट रहने के लिए उसे कम खाना चाहिए और खाने की बहुत सारी चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, तो जब एक व्यक्ति योगा करता है तब उसे खान पान पर किस तरीके से काबू रखना चाहिए? देखो, मैं बोलूँगी कि जैसे नियम मैंने बताया था, मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी डेफिनेटली। मेरे साथ ये है कि मुझे स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और जनरली ये है कि जब चैम्पियनशिप होती है, एशियन रहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप रहे, तो कहीं ना कहीं आपको आपके डाइट के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने अष्टांग योग बोला था तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो पाँचवा जो था वो प्रत्याहार, यानी अपने आहार के ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। तो ये होता था वहाँ पे कि हम लोग जब चैम्पियनशिप, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ मेरी और एक चैम्पियनशिप है उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर नियम लगाना है डाइट प्रॉपरली, नॉट एग्जैक्टली डाइट, बट देखिए हर एक चीज़ का अगर नियम लगाओगे तो आप सारी चीज़ें इंजॉय कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आहार में वो भी बहुत मैटर करता है, और योगा में बताया गया है कि सात्विक आहार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक्चुअली वेजिटेरियन हूँ तो मैं सात्विक आहार फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच अधनाश्री। COVID-19 महामारी ने लोगों में तनाव और चिंता को बढ़ा दिया है। रोग और आइसोलेशन न केवल रोगी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। योग इस प्रकार के मुद्दों से निपटने में मदद करता है। इस बारे में आज धनश्री ने हमें बहुत सी बातें बताई है, जिसके लिए धनश्री हम आपकी शुक्रगुजार है। हमारी बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बिजनेस न्यूज की खास मुलाकात में फिलहाल ही। नमस्कार।